हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह एक वीडियो और। तो आज का जो हमारा वीडियो है गाइज, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारे पास एक रेडमी नोट 8 मॉडल है। इसमें गाइज ग्राफिक्स का प्रॉब्लम है। ग्राफिक्स इसको हम बनाएंगे, पहले आपको हम दिखा देते हैं कि इसमें ग्राफिक्स का प्रॉब्लम है भी कि नहीं है, फिर इसके सारे सप्लाइयों को मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको हम एंडलेस सोल्यूशन देंगे कि आप इसके जो प्रॉब्लम आएगी कि एक जंपर से काम नहीं। गाइज जैसा कि हमेशा की तरह मैं जो वीडियो बनाता हूँ कि एक जंपर मार दो जॉब डन हो जाए, ऐसा कुछ भी वीडियो हम मेंशन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमें आपको पहले डीसी में कनेक्ट करके दिखाते हैं कि ये फोन ऑन है कि नहीं है, सारा चीज यहाँ पे आपको करके पहले दिखा देते हैं। तो गाइज हम यहाँ पे डीसी पे कनेक्ट कर रहे हैं फोन को, और डीसी में कनेक्ट करने के बाद हम डीसी यहाँ पे डीसी की रीडिंग भी आपको हम दिखा देंगे। यहाँ पे हम फोन को कनेक्ट कर रहे हैं और इसकी रीडिंग आप देखिएगा कि इसमें रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, फोन ऑन है कि नहीं है। तो ये साइड में आप देखिएगा गाइज, तो ये देख सकते हैं ये ऑन की रीडिंग है अभी 16। ये देख सकते हैं फोन हमारा प्रॉपरली तरीके से ऑन है और यहाँ पे कोई भी ग्राफिक्स नहीं आ रहा है। यहाँ पे ग्राफिक्स का पत्ता भी हम आपको दिखा देंगे लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफिक्स का पत्ता भी लगा हुआ है। तो इसके हम सोल्यूशन पे चलते हैं गाइज, वीडियो को लास्ट दिन तक देखिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। मैंने उसके प्रॉब्लम को सोल्यूशन देख लिया है, मतलब मैंने उसको फाइंड आउट कर लिया है। मैं आपको लास्ट तक आपको बताऊंगा क्या कैसे करना है गाइस। तो चलिए यहाँ पे हमने आपको पहले फुल आपको मैं समझा देता हूँ, क्योंकि बोर्ड में वो क्लैरिटी नहीं मिल पाती है जिसमें आपको मैं ट्विजर से टच करूंगा और वो भी सोल्यूशन नहीं होता है गाइस। तो मैं आपको यहाँ पे एंडलेस सोल्यूशन देने वाला हूँ, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे थंबनेल में दिया है। तो चलिए बात ना करते हुए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, मैंने यहाँ पे नोट 8 का खोल के रखा हुआ है इसका हार्डवेयर सोल्यूशन। आप हार्डवेयर सोल्यूशन जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज ना हो तो इसके सहारे आप काम नहीं कर सकते, भले ही चाहे वो कितनी भी ट्रैकें आपको दिखाई दे रही हैं। चलिए सबसे पहले आपको क्या चीज़ चेक करना है गाइस, सबसे पहले आपको मीपी की लाइन चेक करनी है। तो आप कहने का मेरा सेंस ये है कि जहाँ जहाँ पे आपको लाइनें दिखाई दे रही हैं, जिस जिस पिन पे लाइनें दिखाई दे रही है, हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है जैसे कि आप देख सकते हैं नो ग्राफिक्स का है, तो जितने ये हमारी जो लाइनें दिखाई दे रही है 26 से 29 39 तक, ये हमारी मीपी की लाइन है। मीपी की लाइन में यहाँ पे डुअल कॉयल लगे हुए हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे डुअल कॉयल लगे हुए हैं मीपी की लाइन में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि 26 27 ये सारे में हमारी रीडिंग आ रही कि नहीं। नहीं आ रही तो डुअल कॉयल को एक बार चेक करिए, नहीं तो आपको सीधा और सीधा ये लाइन है आपकी मीपी की लाइन, सीधा सीधा ये आपकी सीपी में जाते हैं गाइस, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए अब आपको सबसे फर्स्ट में मीपी की लाइन चेक कर लिया, उसके बाद आपको क्या चेक करना है गाइस, यहाँ पे +5 और -5 चेक करना है, VSN और VSP, जैसे कि मैं आपको बता दूँ। फिर दूसरा आपको सप्लाई जो चेक करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, पहले आपको मीपी, दूसरा आपको कर देना है आपको +5 -5। अभी जो +5 -5 कनेक्टर के आप 21 नंबर और 23 नंबर पिन पे आपकी रीडिंग आनी चाहिए। अगर मान लीजिए सपोर्ट रीडिंग नहीं आ रही, क्योंकि कभी कभी मैं आपको बता दूँ यहाँ पे VSN वाले पे रीडिंग आती भी है और रीडिंग नहीं भी आती है, कुछ सर्किट में रीडिंग आती है, कुछ सर्किट में केवल वोल्टेज आते हैं। तो गाइज आपको ऑन करके, यहाँ पे फोन को ऑन करके आपको देखना है कि +5 यहाँ पे -5 और यहाँ पे +5 बन रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे मान लीजिए सपोज रीडिंग नहीं आ रहा है और यहाँ पे -5 बन रहा है, तो मतलब हमारी ट्रैक सही है और यहाँ पे हमारा +5 बनना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे पैलर में कॉम्प्रेंट लगे हुए हैं, यहाँ पे टिप्स है यहाँ पे गाइज। अभी देखते हैं +5 -5 कहाँ से आ रहा है, तो हम देख सकते हैं +5 -5 हमारे सेकेंडरी और पीएम से आ रहा है, जैसे कि आपको दिखा दूँ +5 -5। यहाँ पे आप देख सकते हैं VSN, ये हमारा -5 का कैपेसिटर है और ये हमारा +5 का कैपेसिटर है। तो सर आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, इस कैपेसिटर पे, इस कैपेसिटर पे देख लेना है कि हमारा +5 -5 बन रहा है कि नहीं। अगर नहीं बन रहा है तो सीधा और सीधा आपको IC को चेंज करना है गाइस, सिंपल सा तरीका है। अगर हमारा ट्रैक सही है और हमारा +5 -5 नहीं बन रहा है, तो सीधा और सीधा आपको ये IC PMIC को PMI जो भी सेकेंडरी IC लगी हुई है उसको आपको चेंज करना है। आपने फर्स्ट चेंज कर लिया मीपी की लाइन, सेकेंड आपने कर लिया +5 -5। अब उसके बाद थर्ड में जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो आपको भी याद रखना है, कनेक्टर का यहाँ पे 1.8 VREG की लाइन। ये आपका 24 नंबर जो कनेक्टर रहेगा, अगर इधर से बात करें 1 2 3 4 काउंट करके टिक करिएगा, तो यहाँ पे रीडिंग और वोल्टेज दोनों ही आना चाहिए। रीडिंग आना चाहिए और वोल्टेज आना चाहिए 1.8 वोल्टेज यहाँ पे आना चाहिए गाइस। अगर ये ट्रैक सही होगा तो यहाँ पे आपका 1.8 वोल्टेज आना चाहिए। तो चलिए ये लाइन में देख सकते हैं, यहाँ पे पैलर में कॉम्प्लेंट लगा हुआ है और उसके बाद ये हमारे VREG ऑलवेज मेन पावर से आती है गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक TP बना हुआ है, यहाँ पे भी एक कॉम्प्लेंट है। अब उसके बाद सीरीज में तो नहीं है, ये हमारा देख सकते हैं यहाँ पे जो भी कॉम्प्लेंट है
मतलब ये कॉम्प्रेंट यहाँ पे दो टिप्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, सीधा सीधा देख सकते हैं VREG की लाइन, ये देख सकते हैं VREG लाइन 1.8 वोल्टेज आएगा और ये एक टीपी और बना हुआ है और सीधा सीधा मेन पावर पे चला जा रहा है। तो आप देख सकते हैं मेन पावर पे यहाँ पे ये चला जाएगा गाइस। तो अगर आपका वहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के इस वाले पिन पे कंटिन्यूटी मिल रही है कि नहीं, अगर मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही तो आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट मीपी, सेकंड हमने +5 -5, तीसरा +5 -5, तीसरा हमें 1.8 VREG की लाइन, अब चौथा हमें ये जो डाटा की लाइन है गाइस, जो 14, 13 और 14 जो है ये हमारी डाटा की लाइन है, आईडी की लाइन बेसिकली। तो देख सकते हैं आईडी की लाइन है, आईडी पे आपको रीडिंग आ भी सकती है और रीडिंग नहीं भी आ सकती है। तो एक बार आपको चेक कर लेना है कि ये आपका आ रहा है कि नहीं। अब उसके बाद हमें एक रिसेट की लाइन और एक हमारी यहाँ पे हो जाएगी INT की लाइन। तो आपको मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। तो जो हमारा ये 12 नंबर की लाइन है, 12 नंबर की लाइन है गाइस, 12 नंबर ये हमारी INT की लाइन है, इंटरप्टेड की लाइन है। ये हमारा जो इंटरप्टेड, मैं आपको एक चीज बता दूँ, मीपी और हमारा मीपी हमारी सीपीयू से आती है और रिसेट और इंटरप्रेट हमारा सीपीयू से आता है। ये हमारा +5 -5 सेकेंडरी आईसी या तो ग्राफिक्स आईसी से आएगा, VREG ऑलवेज आपका मेन पावर से आएगा। तो चलिए ये देख सकते हैं हमारा रिसेट इन की लाइन है, यहाँ पे INT की लाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये सीधा और सीधा गाइस यहाँ पे आपका सीपीयू हो जाएगा। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेंट नहीं लगाया, सीधा सीधा ये सीपीयू पे जा रहा है। अब हम रिसेट की बात करें तो उसके बाजू वाला ही रिसेट हो सकता है ग्रीन, तो देख सकते हैं यहाँ पे टी रिंग, तो यहाँ पे एक लाइन और रिसेट टी रिंग और हमारा INT TE मतलब टी रिंग की लाइन है, यहाँ पे देख सकते हैं गाइस। तो ये सारा टी रिंग रिसेट और इंटरप्टेड INT ये आपका सीधा और सीधा चला जाएगा आपका सीपीयू से गाइस, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए टी रिंग की लाइन, रिसेट की लाइन, यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेंट नहीं लगाया, सीधा और सीधा सीपीयू पे जा रहा है। तो आपकी रीडिंग नहीं आ रही तो आपको सीपीयू रिकॉल करना पड़ेगा, या तो सीपीयू अगर आपकी फ्रिक्वेंसी जनरेट नहीं कर रही है तो आपको सीपीयू को चेंज भी करना हो सकता है, पर फिलहाल उतना काम नहीं आता, ये लाइनें बहुत कम ही ब्रेक होती हैं, तो आपको सीपीयू पे काम करना होगा गाइस। ये हमारी थर्म की लाइन है, जो फर्स्ट नंबर है वो थर्म की लाइन है, यहाँ पे सीरीज में कॉम्प्लेंट लगा हुआ है। ये जो थर्म की लाइन है ये आता है आपका मेन पावर से, तो देख सकते हैं यहाँ पे तो थर्म की लाइन है, ये हमारा सीधा सीधा मेन पावर से आता है जो कि हीटिंग को कंट्रोल करता है, थर्म की लाइन। तो गाइस बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे समझाया पूरा कि कौन से कंपोनेंट किस लाइन में लगे हुए हैं, मैंने यहाँ पे सारा आपको समझा दिया। तो एक बार मैं जूम आउट कर देता हूँ और इसको आप एक फोटो खींच सकते हो या आप तो इसको देख सकते हो। मैंने यहाँ पे आपको सारा कंपोनेंट के बारे में बता दिया कि कौन सी लाइन कहाँ से जुड़ी हुई है। अब हम फाइनल चलते हैं अपने प्रॉब्लम पे। तो जो उसका प्रॉब्लम था गाइस, मैं बता दूँ आपको, उसमें ये जो मैंने जब चेक किया सारी चीज़ें, मैंने भी स्टेप बाय स्टेप पहले मीपी, फिर -5 +5, फिर मैंने रिसेट इंटरप्रेट और ट्रेनिंग की लाइन को चेक किया, सारा आ रहा था, पर यहाँ पे हमारी गाइस VREG पे कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा था। तो जब रीडिंग नहीं आ रहा था तो यहाँ पे वोल्टेज 1.8 वोल्टेज भी नहीं बन रहा था। तो गाइस मैंने क्या किया, ट्रेसिंग किया। तो जब मैंने ट्रेसिंग किया, यहाँ पे मैंने एक टिप्स को रखा और एक टिप्स यहाँ पे रखा, तो देखा यहाँ पे कोई भी बीप नहीं आ रहा था गाइस। तो फिर मैंने इसको क्या किया, यहाँ से उठा करके एक जम्पर मारा, यहाँ पे एक मैंने जंपर मारा हुआ है, जो कि जंपर बोलते हैं लोग कैसे मारा, तो ये यहाँ से एक जंपर और एक जंपर मैंने यहाँ से मार दिया, और उसके बाद फिर देखते हैं प्रैक्टिकल तौर से कि ये काम होता है कि नहीं, और इसके लिए चलते हैं अपने प्रैक्टिकल बोर्ड पे। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। तो गैस जैसा कि मैंने आपको दिखाया सारी सप्लाइयों के बारे में, मैंने आपको आपको बताया हुआ है, तो ये प्रैक्टिकल वीडियो है गैस। तो मैंने जब इसके सारी सप्लाइयाँ चेक की, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको वीडियो जो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये डिस्प्ले कनेक्टर है, मैंने यहाँ पे सारी सप्लाइयर्स की चेक की, जो कि मैंने आपको डीप तरीके से वहाँ पे आपको बोर्नियो हार्डवेयर सोल्यूशन में आपको मैंने सारी सप्लाइयों के बारे में दिखा दिया है। तो जब मैंने यहाँ पे 1.8 VREG की लाइन को जब ट्रेस किया, तो यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं आ रही थी गाइज। तो जब यहाँ पे VREG की लाइन पर रीडिंग नहीं आ रही थी, तो हमने यहाँ पे जो इसका VREG का लाइन सप्लाई हमने ट्रेस किया, तो ये जो पावर आईसी के पास यहाँ पे जो एक कैपेसिटर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक टिप्स, दो टिप्स दिखाई दे रहे होंगे गाइस, ये नीचे वाला टिप्स इसका 1.8 वाला सप्लाई थी जो कि ब्रेक हो गया है। तो हमने जब इसको पूरा डायग्नोज किया, सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाया, वहाँ पे पूरा सप्लाई के बारे में मैंने आपको समझाया बोर्ड में। तो चलिए अब इसको फटाफट आपके सामने लाइव वो जंपर मारते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। जो इसका VREG का पॉइंट है, हमने VREG का पॉइंट आपको बताया था कहाँ पे है, तो हम यहाँ पे इसको करने वाले हैं जंपर में, जैसा कि आपको यहाँ पे जूम के थ्रू मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपको वहाँ पे एक कॉम्प्लेंट लगा हुआ है कैपेसिटर, कैपेसिटर से वहाँ पे जंपर आपको उठाना है, और कनेक्टर पे आप ना मारे, हमेशा उसके टिप्स पे आप मारे, जिसमें कि आपको कनेक्टर आपका खराब डैमेज ना हो। तो मैं यहाँ पे एक जंपर ले लिया। अब ये दूसरा जंपर जो हमने आपको ट्रेसिंग करके दिखाया हुआ था इसकी सारी सप्लाइयों के बारे में, तो इसकी सप्लाइयाँ मैं आपको दिखा दूँ। ये यहाँ पे है पावर आईसी के पास, जो कि मैंने आपको दिखाया हुआ था,
पावर आईसी के पास जो टिप्स है, जो कि मैंने आपको उस टिप्स को बारे में बताया हुआ है गाइस, उस टिप्स के आपको नीचे नीचे वाला जो दो टिप्स दिखाई दे रहा है उसमें राइट साइड में आपको जम्पर लगाना है, जैसा कि मैं वीडियो में आपको दिखा पा रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे जम्पर मार दिया गाइस, इसके जो नीचे वाला जो टिप्स था उसके लेफ्ट में, सॉरी राइट में नहीं, लेफ्ट, नीचे के जो दो टिप्स दिखाई दे रहे हैं उसके लेफ्ट में मैंने एक जम्पर मार दिया है, और दूसरा जम्पर इसके मैंने वीआरईजी के लाइन पे यहाँ पे मैंने दे दिया, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये मैंने वीआरईजी पे यहाँ पे जम्पर मार दिया है गाइस। तो चलिए फटाफट अब चेक करते हैं कि जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। तो इसको हम कनेक्ट करते हैं और एक बार इसको चालू करके देखते हैं गाइस कि ये हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व होता है कि नहीं होता है। तो डीसी से हमने कनेक्ट किया, जो डीसी की रीडिंग हमने आपको यहाँ पे बताई थी। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा फ़ोन जॉब डन हो गया गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डीसी की प्रॉपर रीडिंग देख सकते हैं, और यहाँ पे हमारा ये जॉब डन हो गया गाइस। तो ये जो प्रॉब्लम था हमने आपको सारी सप्लाइयों के बारे में बताया, फिर इसके डिस्प्ले ग्राफिक्स को हमने डायरेक्ट सजेशन दिया। तो इसमें जो प्रॉब्लम था गाइस कि इसमें प्रॉब्लम जो था कि इसमें 1.8 की लाइन जो थी मिसिंग थी गाइस, वीआरईजी की लाइन इसमें मिसिंग थी। तो हमने आपको यहाँ पे सारा कुछ वीडियो को आपको लास्ट दिन तक दिखाया, सब कुछ एंडलेस सोल्यूशन बताया कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, एक आपको बोर्डियो के थ्रू, हार्डवेयर सोल्यूशन के थ्रू हमने यहाँ पे सारा कुछ आपको बताने की कोशिश की है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है फिर से रिमाइंड कर दे रहा हूँ, 1.8 वीआरईजी की लाइन यहाँ पे ओपन हो गई थी जिसको मैंने यहाँ पे जम्पर किया आपके सामने, और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ऐसा नहीं कि आपका भी सेम प्रॉब्लम आए, आपको पूरा ट्रेस करना है हर एक चीज़, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।